पाकिस्तानी रियल रिएक्शन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। आज हम काफी डिफरेंट तरह की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान थिंग्स प्राइस कंपैरिजन, मतलब जो चीजें हैं पाकिस्तान इंडिया में उनकी प्राइस, मतलब देखेंगे इंडिया में कितनी है उस चीज की, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में दूध किस तरह लीटर है, पाकिस्तान में दूध किस तरह लीटर है, आलू किस तरह इंडिया में लीटर है, लीटर में ही है, किलो 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 है भाई। आप कब्ला कर रहे लगे थे, क्या करूं, तूने बोला ये, तूने तो जो है ना खराब ही कर दिया सब कुछ भाई। मैं वो वाला सीन हो गया, आलू में बुला दिया, मशीन में आलू डालोगे सोना निकलेगा। तो यार आलू किस तरह किलो उधर है, आलू किस तरह किलो इधर है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है कंपैरिजन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत कमाल की वीडियो बनाते हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट 2019 तक सब ठीक चल रहा था, फिर कोरोना आ गया। मनोज, इसने हेल्थ वाइज लोगों को परेशान तो किया ही, महंगाई बहुत की है, इसकी वजह से बड़े बड़े डेवलप्ड देशों की इकोनॉमी भी हिल गई, करीब एक साल तक काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए, जिसका नुकसान देश की जीडीपी को हुआ और अल्टीमेटली सफर आम आदमी को करना पड़ा। महंगाई बढ़ी, खासकर हम जिसकी बात करते हैं वो है तेल, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल। आप ये नोटिस करना, हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान में हालत और भी खराब है, इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है और महंगाई आसमान छू रही है। चलिए जानते हैं इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में चीजों के दाम क्या है। पाकिस्तान में एक लीटर फुल फैट दूध की कीमत है 113 रुपए, वहीं इंडिया में हमें फुल फैट मिल्क 55 रुपए बराबर ही बनता है, मतलब करेंसी कन्वर्ट करें तो। टमाटर जिसके दाम इंडिया में अभी हफ्ते पहले काफी बढ़े हुए थे, जो कि अब फिर से कम हो रहे हैं, क्योंकि ये फसल पर निर्भर होता है। हाँ। और दाम 2-3 हफ्ते में नई फसल होने पर नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए अगर एवरेज देखें तो इंडिया में एक केजी टमाटर की कीमत है 50 रुपए, वहीं पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो मिलता है। अभी कम हो गया है। एक केजी आलू की कीमत पाकिस्तान में है 65 रुपए, इंडिया में आलू 20-30 रुपए प्रति किलो मिलता है। सेब जिसकी प्रोडक्शन नॉर्थ में ज्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान में सेब 146 रुपए प्रति किलो, वहीं इंडिया में सेब की कीमत 150 से 200 रुपए प्रति किलो है। एग यानी अंडा, पाकिस्तान में एक डजन यानी 12 अंडे की कीमत है 156 रुपए, वहीं इंडिया में एक अंडा 6-7 रुपए का, यानी एक दर्जन अंडा करीब 80 रुपए का मिलता है। बराबर ही उस लिहाज से आगे पीछे। अच्छी क्वालिटी का आशीर्वाद आटा, जो जनरली घरों में इस्तेमाल होता है, इंडिया में 10 किलो आटे का दाम है 450 रुपए, इधर 15 किलो, पाकिस्तान में 10 केजी आटे की कीमत 860 रुपए। 15 किलो हमको 1000 का। बात करें सरसों तेल की, जो नो डाउट इंडिया में काफी महंगा है, इंडिया में ये 200 से 210 रुपए पर लीटर मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान में एक लीटर सरसों तेल की कीमत है 470 रुपए। इधर वो ही सही है। ये तो थे खाने की कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के दाम। अब देखते हैं पीने की चीजों के दाम में कितना अंतर है। कोल्ड ड्रिंक की 2.25 लीटर की बॉटल, इंडिया में इसकी कीमत 90 रुपए है, वहीं पाकिस्तान में 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कीमत है 161 रुपए। नहीं, अभी 130। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के 24 कैन इंडिया में 2325 रुपए में मिलता है, वहीं पाकिस्तान में 24 कैन रेड बुल की कीमत है 6300 रुपए। ये मैंने नहीं लिया है। बियर की 500 ml बॉटल की कीमत इंडिया में 150 रुपए, वहीं पाकिस्तान में ये 363 रुपए की मिलती है। सेम प्राइस देखा जाए तो बन रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत में आपको दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। हाँ। इंडिया में 100 Mbps स्पीड इंटरनेट के 1 month के प्लान के लिए जहां आपको 699 रुपए देने पड़ते हैं, वहीं इसी इंटरनेट प्लान के लिए पाकिस्तान में 2874 रुपए। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। बात करें 56 इंच के टीवी की, तो सोनी ब्राविया अल्ट्रा एचडी टीवी की कीमत इंडिया में है 1,03,490 रुपए, वहीं इसी टीवी की कीमत पाकिस्तान में है 2,50,900 रुपए। जिस तरह प्राइस है दोनों कंट्री, ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे 900 वॉट माइक्रोवेव की कीमत इंडिया में 11,310 रुपए है, वहीं पाकिस्तान में इसी माइक्रोवेव की कीमत 17,939 रुपए है।
इसमें फर्क है यार। आईफोन 13 प्रो इंडिया में जहां 1,19,000 रुपए का मिलता है, पाकिस्तान में इसकी कीमत 2,99,000 पेट्रोल के दाम कुछ कम हुए हैं, जिससे थोड़ी राहत तो मिली है। इस वक्त इंडिया में पेट्रोल 94 रुपए पर लीटर के हिसाब से, वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल 117 रुपए प्रति लीटर। हम अक्सर से बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से पेट्रोल का सही दाम कितना होना चाहिए कमेंट कीजिए। साथ ही कमेंट में बताइए कि पेट्रोल के दाम सरकार कैसे कम कर सकती है। तो दोस्तों ये थी कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया के मार्केट प्राइस की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत के रुपए के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया काफी कमजोर है। इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.65 ट्रिलियन की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी भारतीयों का सपना है इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत और कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं पड़ा इंडिया बल्कि सभी देशों में हुआ है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। गाइस आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तो लेखा जाए तो महंगाई एक जैसी रेट्स बनेगी। इधर आलू पाकिस्तान का उस दिन मैं लेकर आया हूँ 5 किलो 200 रुपए के, पाकिस्तानी 200 रुपए, पाकिस्तानी जो इंडियन बनते हैं मेरे ख्याल में 80 रुपए के ऐसे बनते हैं। तो मतलब ये चीजें जो सस्ती है ना, मतलब अंडे 150 रुपए दर्जन है, जो की इंडियन मेरे ख्याल में आप अंदाजा लगा और खुद लगा लेना। हाँ। आप मतलब 2.5 रुपए के हिसाब से आप लगा लेना। हाँ। मतलब इंडिया का अगर मतलब 50 रुपए है तो अगर 150 रुपए है तो हाँ। इंडिया में 60 रुपए दर्जन कर लो। हाँ 60 रुपए कर लो, 65 हाँ मतलब इस तरह ही कर लो। हाँ भाई हाँ, क्योंकि फर्क है काफी। तो भाई बाकी नहीं भाई 50 रुपए कर लो, 2.5 रुपए के लिहाज से बनता है 50 कर लो। मतलब 1,000 रुपए इंडियन हो तो हमें 2,500 रुपए मिलता है। इधर तो अच्छा, अंदाजा लगा सकते इधर हो। अच्छा कुकिंग ऑयल जो है ना इधर मिल रहा है 460-470 रुपए। हाँ, अच्छा हम डालडा का लेकर आते हैं 400 ऑयल की बात कर रहा हूँ, 470 का 1 लीटर का मिलता है। बिल्कुल, तो आपके उधर कितना मिलता है प्लीज थोड़ा बताना। मतलब देखा जाए तो कुछ चीजों में इंडिया थोड़ा सस्ता था, कुछ चीजों में थोड़ा पाकिस्तान सस्ता था उस लिहाज से। मतलब लेकिन महंगाई कोरोना के बाद काफी बढ़ी है इधर और इंडिया में भी इस लिहाज से बढ़ी है। अभी पेट्रोल 150 रुपए लीटर है, जो इंडिया में मेरे ख्याल में इंडिया की करेंसी में करो तो हमें पड़ रहा है तकरीबन 50 का पड़ता है ना भाई। नहीं 150 का हमारा है ना, 65-70 नहीं भाई, 2.5 रुपया लगाओ ना पाकिस्तान इंडिया का, 1 रुपया इधर 2.5 रुपया है ना, फिर 50 का मतलब इस तरह पड़ता है। तो पेट्रोल के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन अभी महंगा होने वाला है। समरी आ रही है 40-50 रुपए लीटर महंगा वाला है, 40-50। अब तो मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा उसके बाद, लेकिन फिर देखा जाए तो इंडिया की वो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 2,500 के करीब ला गया, पाकिस्तान का 1,500 के करीब है। अभी अच्छा जो दूध है वो मतलब 120 का मिलता है, अगर इंडियन रुपीज में कहा जाए तो 50 के लगभग, 50 थोड़ा सा काम इससे। हाँ, 50 के करीब। सो गाइस आप लोग क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।